नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके जहन में, हमारे जहन में, सबके जहन में एक ही सवाल है कि भाई महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा और एनडीए का स्वरूप क्या होगा। महागठबंधन में तो रार मची हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर। कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर लड़ना चाहती है और सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया है। उन्होंने ऐसा फार्मूला दिया है कि कांग्रेस पार्टी न उसको निगल पा रही है न उगल पा रही है। फार्मूला ये है कि या तो 50 सीट ले लो या 80 सीट ले लो। 50 सीट अकेले ले सकते हो, लेकिन शरद यादव का हिस्सा आपके पाले में होगा, यानी शरद यादव को जितनी सीटें चाहिए आपको देनी पड़ेगी। अगर आप 80 सीटें लेना चाहते हो तो वाम दलों को और उपेंद्र कुशवाहा को अपने हिस्से से सीट देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। अखिलेश सिंह गए थे रांची लालू यादव से मिलने, लेकिन बात बन नहीं पाई है और बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा से तो आरजेडी ने बातचीत करना ही छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के नेता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह से दो बार मिल चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, लेकिन चाय भर ही बात रह गई है, बात आगे नहीं बढ़ पाई। भला जगतानंद सिंह कैसे तय कर सकते हैं कि कितनी सीटें मिलनी चाहिए? ये फैसला तो लालू यादव या तेजस्वी यादव ही लेंगे, और लालू यादव, तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं कर रहे हैं, और इसका असर दिख रहा है रालोसपा के दफ्तर में। आप जाएंगे तो एक भी नेता, कार्यकर्ता और टिकट का दावेदार नजर नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी के नेता कार्यकर्ता मानकर चल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव ने ठिकाने लगा दिया है, महागठबंधन से बाहर कर दिया है। अब कोई सीट नहीं मिलने वाला है। जब सीट ही नहीं मिलने वाला है तो दावेदारी किस बात की? तो कोई दावेदार नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन में तो घमासान है ही, एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। भले बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का संकेत दे रहे हैं, सब कुछ ठीक कैसे कह सकते हैं? तो एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। 15 तारीख को चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे और कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, लेकिन वो कोई बड़ा फैसला लें इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं, फडणवीस जी भी पटना पहुंच गए हैं जो बीजेपी के चुनाव के प्रभारी हैं। अब दोनों नेता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, चुनाव की रणनीति समझा रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार के लोगों को समझाना है कि अगर बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो मोदी सरकार का सहयोग समर्थन जरूरी है, और ये तभी मिलेगा जब बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी। सिटी पोस्ट ने तमाम बीजेपी के नेताओं से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि चिराग पासवान का पेच कितना बड़ा है जो खुल नहीं पा रहा है। कोई जवाब नहीं मिला और सब नेता इस सवाल का जवाब टालते गए और केवल यही कहा कि सब कुछ ठीक है, एनडीए इंटैक्ट है। मतलब साफ है कि चिराग पासवान को मना लेने को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। चिराग पासवान अब तक जिस तरह से मोर्चा खोले हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको बीजेपी का बैकअप प्राप्त है। तो मानकर चलिए चिराग पासवान मान जाएंगे, सीटों की संख्या कितनी होगी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 40-42 तो नहीं होगी ये तय है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा बीजेपी से 40 सीटों पर चुनाव ज़्यादा लड़ती रही है। इस बार भी उसने यही फार्मूला रखा है, 140 सीटें मांग रही है। नीतीश कुमार 120 से कम सीट पर तैयार होंगे नहीं चिराग पासवान की दुहाई के बावजूद। तो मुझे लगता है कि 120 के भीतर ही जेडीयू इस बार चुनाव लड़ पाएगा और अपने हिस्से से ही जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी पड़ेगी, और 120-123 में ही बीजेपी और चिराग पासवान को सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। तो मुश्किल है कि चिराग पासवान को 40 सीटें मिले 120 में। 40 सीटें चिराग पासवान को देकर बीजेपी 80 सीटों पर तो लड़ेगी नहीं, बीजेपी कोशिश करेगी कि वो भी 100 सीटों पर लड़े और चिराग पासवान को 25 से 28 सीटें मिल जाए, और वो भी केवल विधानसभा की सीटें नहीं होंगी, विधान परिषद की भी सीट उसमें शामिल हो सकती है। तो ये है आज की दिन भर की जो राजनीतिक हलचल है उसकी निचोड़। इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा,
आपका सहयोग, समर्थन और प्यार सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।